को यश मिला है, फिल्म अच्छी चल पड़ी है, थैंक यू सो मच मिली है, यश कुमार क्या कहना चाहोगे जब दर्शकों का इस प्रकार से रिएक्शन मिलता है, कानों में सीटियां बजती है, कैसा फील कर रहे हैं? पहला रिएक्शन यश कुमार का कैसा होगा, क्या कहना चाहेंगे जी? सर मैं उन दर्शकों का, अपने तमाम भोजपुरी जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी हमारे वो दर्शक हैं जो भोजपुरी सिनेमा को देखते हैं, मैं सबका दिल से यार पैर छू करके प्रणाम करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि मैं बैठा हुआ हूँ, देखिए मुझे पसीने कैसे टपक रहे हैं, हीरोइनों को कैसे टपक रहे हैं पसीने, इन्हीं पसीनों में सिनेमा घर को हाउसफुल बना करके, सिनेमा घरों में खचाखच 350-400 पब्लिक भर करके फिल्म देख रही है कंटिन्यू 2:45 तो उन लोगों को कितना पसीना टपक रहा होगा। मैं उन हर दर्शकों को भैया दिल से प्रणाम करता हूँ, दिल से नमस्कार करता हूँ, जो लोग ये फिल्म को देख करके इतनी बड़ी हिट करवा रहे हैं। दर्शकों का ये रिस्पांस जो मिला है इस फिल्म को, कसम पैदा करने वाले कि बिहार और सॉरी मुंबई और गुजरात में, मैं यही चाहूँगा कि जब बिहार में सितंबर में ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, यही रिस्पॉन्स बिहार में सब लोग दें, यही दिल से कामना है। रितु, थिएटर में जब दर्शक बैठे तो उनकी सीटियाँ निकल गई, क्या कहना चाहोगे अपने परफॉर्म पे? मैं अपने परफॉर्म पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी, जब दर्शक और ऑब्वियसली देख रहे हैं और वो हमारे सामने, मैं तो वहाँ पीछे ऑडियंस से बैठी थी ऊपर और मैं उनकी रिव्यू सुन रही थी, उनकी रिएक्शन सुन रही थी हर एक चीज़ में, खुद मुझे हंसी आ रही थी, मुझे इतना अच्छा, एक कलाकार होने के नाते मुझे इससे बड़ा सौभाग्य कुछ और नहीं हो सकता कि मेरे सामने ऑडियंस है, मेरी मूवी चल रही है और उनके रिएक्शन मैं देख रही हूँ, इवन पॉजिटिव रिएक्शन, तो आई एम वेरी ग्लैड। निधि, आपका पहला रिएक्शन क्या कहना? मेरा पहला रिएक्शन, सबसे पहला मैं खुश हुई ऑब्वियसली, क्योंकि हम सब ने जो मेहनत किया है वो दिख रहा है हर डायलॉग्स पे, एक्शंस पे, हमारे पब्लिक, हमारे जनता रिएक्शन दे रही है, खुश हो रहा है, तो हम एक्टर्स के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप जो मेहनत करते हैं वो दिखता है, अगर हमने कुछ गलत किया है तो वो सामने उनका भी, वो भी रिएक्शन आता है, अगर हीरो हीरोइन को छेड़ता है या हीरोइन हीरो को छेड़ता है तो वो भी रिएक्शन आता है, तो इट्स प्लेजर, इट्स रियल, लाइक बहुत अच्छा लग रहा है हम तीनों बैठ के कमेंट सारे सबके रिएक्शन देख रहे हैं, स्टॉप देन कि आप ऐसा नहीं, अपने रिएक्शन रियल रिएक्शन, बहुत अच्छी, बहुत खुशी हो रही है हमें सबका रिएक्शन देख के, एंड बस यही गुजारिश हम तीनों की तरफ से, हम सारे क्रू से रहेगा कि आप कसम पैदा करने वाली की जरूर देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है, एंड मैं गारंटी कर सकती हूँ कि आप उस फिल्म से कनेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी, एक एक ऐसे ऐसे सीन्स है जिसे इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है कि एज एन एक्टर आई विल एक्चुअली अप्रिशिएट हिम, आई विल अप्रिशिएट हर, एंड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मैं भी। यश कुमार जी, पराग पाटिल की बात करें तो उनका पंच नजर आ रहा है आपको इस फिल्म में? हाँ बिल्कुल आ रहा है, मैंने उनके साथ दूसरी फिल्म की है ये, उनके साथ मैंने जब रंगदारी टैक्स की थी, तो पराग पाटिल का एक अलग सिनेमा होता है, एक स्टाइल सिनेमा के नाम से उनकी फिल्में जानी जाती हैं। हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था रंगदारी टैक्स, भोजपुरी में पहली बार हमने रियल कथा पे फिल्म बनाई थी श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर, तो उसी समय मैं उनके काम से इंप्रेस्ड हुआ था, मैंने कहा पराग पाटिल इज डिफरेंट डायरेक्टर और उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आने वाला है, और अपने सिनेमा के दौर से, अपने सिनेमा के स्टाइल से अलग निकल करके पराग पाटिल ने कसम पैदा करने वाले की बनाया है, जो सिनेमा घर में बूम बूम कर रही है, तो पराग जी एक अच्छे डायरेक्टर हैं और आई वुड लव टू वर्क विद हिम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इवन मैंने काम कर भी लिया है उनके साथ, कसम पैदा करने वाले की बात। रितु, यस जी जी, आपके पास आता हूँ। रितु, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत फिल्मों में काम किया, बहुत फिल्मों में किस किया है, आपको बता दूं, आपको शायद पता नहीं है, मेरी मूवी में पहली बार किसिंग सीन है इनके साथ। ऐसा क्यों यश कुमार, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है कि यश कुमार बिना किस के रहिए ना सके ना, मजाक कर रहा हूँ। जैसे मेरी एक्शन राजा आई थी उसमें किसिंग सीन नहीं था, रंगदारी में किसिंग सीन नहीं था, अभी मेरी आ रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें किसी कहा जाता है, सूत्रों से खबर मिलती है आप मौका छोड़ते नहीं है। देखिए वो मर्द ही नहीं हो जो मौका छोड़ दे, वो भोजपुरी मर्द ना हो सकेला, और मौका ये तो खैर एक मजाक हो गया, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है, आप कॉन्सेप्ट के साथ किस करें वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी मेरी रुद्रा आ रही है उसमें कहीं पर भी कोई किसिंग सीन नहीं है, इसके बाद से मेरी एक और फिल्म नागराज बनने जा रही है, नागराज में एक किसिंग सीन है, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगेगा वो किसिंग सीन की किस तरीके से है, मोहब्बत जिंदाबाद में किसिंग सीन नहीं है, जितनी फिल्में आ रही हैं किसिंग सीन नहीं है, किस मैं वहीं करता हूँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, और रितु मुझे बहुत पहले से पसंद थी तो मैंने सोचा कि ऑन ऑफ स्क्रीन तो कोई दाल गलता नहीं है, ऑफ स्क्रीन कोई दाल गलता नहीं है तो ऑन स्क्रीन को किस कर लिया जाए,
तो ऑन स्क्रीन पहली बार मैंने इनको इंटरवल के पहले किया है। बहुत लोग देख रहे हैं शायद आपको, फिर अगली बार। यस यस यस, इंटरवल के पहले मैंने किस किया है, इंटरवल के बाद इन्होंने बदला निकाला है मुझे किस करके। नेक्स्ट टाइम के लिए गॉड नोस क्या होगा, आई डोंट नो, लेकिन इस मूवी में किसिंग सीन में इतने खुद को इतना प्रिपेयर किया है वो बस मैं ही जानता हूं। और मैं अगली बार भी मैं सोच के समझ के फिल्म करती हूं यार, किसिंग सीन तो नहीं है यार, मेरे साथ होगा नहीं यार। ये सिर्फ किसिंग सीन मेरे साथ कर सकती है, बाकी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है, बाकी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। सर, जैसे कि आपने कहा कि अब तक की भोजपुरी की तीन दिन की कलेक्शन सबसे ज्यादा निकली, बताना चाहेंगे कितना प्रोड्यूसर को फायदा हुआ, कितना कलेक्शन? मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर के अकाउंट में मुंबई और गुजरात के टेरिटरी से कम 20 लाख रुपए आएंगे, कम से कम प्रोड्यूसर के अकाउंट में 20 लाख रुपए आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर अंदर बैठे हुए हैं जिन्होंने इस फिल्म को एमजी अमाउंट में लिया हुआ है, वो आप लोगों को कलेक्शन भी बताएंगे। मैं चाहूँगा कि उन लोगों से, उनसे एक बार आप वो करें। एक डिस्ट्रीब्यूटर ही होता है जो फिल्म का कलेक्शन बताता है। मैं कलेक्शन क्यों बोला, कुछ लोग होते हैं, मैं एक भोजपुरी ऑडियंस हमारी इतनी अच्छी है कि अच्छे सिनेमा को हमेशा प्यार देती है, लेकिन कुछ लोग जो पीठ पीछे अच्छी चीज़ों को अप्रिसिएट नहीं करते हैं, वो लोग फंसे हुए हैं आज भी ना जाने चमचागिरी में। क्या मिलता है उनको चमचागिरी से कि कुछ ही लोगों की चमचागिरी, कुछ ही लोगों की फिल्म फ्लॉप है बुरी तरीके से, तो उसको भी सुपरहिट का ठप्पा लगाते हैं कि ये फिल्म सुपरहिट है, जबकि थिएटर से मुंबई के थिएटरों में वो अपना भाड़ा तक नहीं निकाल पाई हैं मुंबई के सिनेमास का, जो मेरे पास प्रूफ है। अगर किसी को चाहिए तो मेरे पास आए और मैं वो दिखा दूँ। तो आप कितना संतुष्ट हैं, 20 लाख से संतुष्ट? 20 लाख, 10 लाख, 50 लाख, मुझे इससे कोई नॉलेज नहीं है प्रोडक्शन का। ये प्रोड्यूसर है, एज एक्टर भी है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपनी मूवी का, जो रिएक्शन जा रहा है पब्लिक का, मैं बस उसको भी खुश हूँ। और ऑब्वियसली ये एक्टर भी हैं और दीपक शाह जी प्रोड्यूसर हैं, तो इनका क्या है कि मूवी से इतना कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो इनका अपना एक नज़रिया है जो प्रॉफिट के व्यू से देख रहा है, लेकिन मैं ऑडियंस को देख के ही गदगद हूँ। बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ, इसलिए खुशी हो रही है कि अच्छी फिल्म, जो जिस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, जो जिसे फिल्म कहा जाता है, अगर वो फिल्म निकल रहा है, उसे प्रॉफिट हो रही है, तो हम सारे एक्टर्स को, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने सही कहा कि कुछ कुछ फिल्म ऐसे होते हैं जो, माफी चाहूंगी मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, बट कुछ कुछ फिल्म ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि क्या बनाया आपने, बट कहने के लिए सुपर डुपर हिट है, जो नहीं होती है, जस्ट दिखावटी है। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं लगता है आपको बदलाव आया है भोजपुरी में, कोई अच्छी फिल्म है। भोजपुरी फिल्म में बदलाव ये है कि मैं बहुत अच्छा, देखिए जब मैं शुरू में आया था, श्रेय किसको जाता है, यश कुमार को, किसी और? नहीं, मेरे दर्शकों को श्रेय जाता है। वजह क्या है कि यश कुमार तो सिंगर नहीं है, उसके बाद भी चल रहा है, दिनेश भैया सिंगर हैं, पवन जी सिंगर हैं, खेसारी जी सिंगर हैं, इन्हीं के बीच में मैं आया था और दिलदार समरिया फिल्म लेके, और उस समय के पहले कम से कम 150 लड़के ऐसे लॉन्च हो चुके थे जो बॉक्स ऑफिस पे चले ही नहीं, उनको दर्शकों ने नहीं एक्सेप्ट किया, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि यार मैं चल पाऊंगा कि नहीं। उसके पहले मैं योगा सिखाता था, मैं फिर हीरो बनने को तो योगा भी नहीं सिखा सकता हूँ, बहुत सारी कश्मकश थी मेरे सामने, लेकिन मैं भोजपुरी दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ, नतमस्तक हूँ उनके सामने, पैर छूके उनको प्रणाम है, जिन्होंने सिंगर ना होते हुए मेरी पहली फिल्म दिलदार समरिया से ये मुहर लगा दिया कि यश कुमार हम आपको चाहते हैं, हम आपको प्यार देते हैं। और वही वजह है कि आज मेरे सामने मेरे थिएटर्स में हजारों की संख्या में दर्शक हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यश कुमार की मेहनत और मेरे भोजपुरिया दर्शकों का आशीर्वाद और प्यार है, नथिंग एल्स। इसके साथ ही सर लंदन में अवार्ड शो हो रहा है, आप फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, तो इस अवार्ड शो के बारे में कुछ बताना? सर मुझे अवार्ड उसी दिन मिल जाएगा, मेरे को अवार्ड मिल गया सर, फ्राइडे को मिल गया, इसलिए फ्राइडे को अवार्ड मिल गया। मैं लंदन में जाता तो शायद ये दर्शकों को छोड़ देता। आप देखिए, मैं दर्शकों के बीच में डांस करता हूँ, मैं दर्शकों से बात करता हूँ, भैया भैया बोल करके जब चिपकते हैं, जब सीने से लगते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे अपने भाई मेरे सीने से लग रहे हैं। मेरे घर में दो वक्त की रोटी इन्हीं से है ना, उस अवार्ड से नहीं है जिस अवार्ड को ला करके मैं एक जगह सजा दूँ और उसका 4 फोटो मीडिया में डाल दूँ। मेरा अवार्ड है मेरे दर्शकों का प्यार, जो मैं हमेशा चाहूँगा। मुझे कोनो अवार्ड मत दजा मरता, हमारा अवार्ड अवार्ड ना चाहिए, हमारा कहीं नहीं के जाए के भैया दर्शक लोग इतना प्यार दजा कि हमारा हर फिल्म हिट हुई उहे अवार्ड बा, तो लोग उनका दिया अवार्ड बा, यही चाहिए। आखिरी सवाल चल, जो फैंस के बीच में आपने गाना गाया, वो गाना गा सकते हो वापस एक बार? गा सकते हैं। आखिरी सवाल, उसके पहले गाने के पहले, हमने एक सर्वे किया जिसमें पूछा कि 5 इसमें इस फिल्म को 5 नंबर में से कितने नंबर देने चाहिए, तो किसी ने 3 दिया, किसी ने 3.5 दिया, 5 किसी ने नहीं दिया, कुछ कमी रह गई यश कुमार इस फिल्म में? जी 5 हो जाएगा जिस दिन, उस दिन मैं शायद मेहनत करना बंद कर दूँ। थैंक यू ऑडियंस, जिसने आपने 3 और 3.5 दिया मेरी फिल्म जो सुपरहिट है। वैसे भी आपको बता दें कि 2.5 स्टार रेटिंग दैट मीन्स फिल्म अच्छी, 3 स्टार रेटिंग मतलब बहुत अच्छी, 3.5 स्टार रेटिंग मतलब बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छी लगी आप लोगों को, मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो 1.5 स्टार आप लोगों ने कम दिया है,
मैं कोशिश करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि आने वाली अपनी फिल्मों में 5-स्टार रेटिंग आप लोग खुद देंगे मुझे, आप लोगों को प्राउड होगा यश। चलते चलते एक और आखिरी सवाल जी, गाना है उसमें एक नथनिया के बिल में, क्या है वो गाना के बताएं कि दिल पे चला वे यारी तो हर नैना कारी कारी, आंखिया इनका करिया नहीं है लेकिन फिर भी कोई देता नहीं, नशीली आंखें हैं गुरु इनकी, कातिल एकदम। ओह माय गॉड, कि दिल पे चला वे यारी तो हर नैना कारी कारी, ब्यूटी के खजाना देखो करे बमबारी, देखी के रूप परल महानी मुश्किल में फसल बादिल, फसल बादिल तोरा नथिया के बिल में, फसल बादिल तोरा नथिया के बिल में। इकरामा हम ही गौरवानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल।